हेलो दोस्तों, देखिए मेरे यहाँ छत पे ना ग्रीन नेट है ना कुछ है, मेरे पौधे ऐसे ही रखे हैं और मुझे मेरे पास सामान भी नहीं है ग्रीन नेट लगाने के लिए। ना मेरी कोई हेल्प करता है ना मेरे साथ कोई रहता है, मैं सिर्फ़ अपना काम सब खुद करती हूँ। गार्डनिंग करती हूँ तो वो पौधे लगाना, पानी लगाना, शेरू देखिए कैसी ठंडक में पड़ गए हैं, पानी लगाया तो मैंने। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ इतनी आज 4 दिन से इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि ये देखिए इनका सदाबहार देसी वाला है, देखिए कितना ऐसा हो गया, मुरझा के रह गया। और देखिए ये मेरा हाइब्रिड था, देखिए कैसा सूख गया। और मैंने जबकि दोनों टाइम इसमें पानी दिया, देखिए मेरी ये कटिंग लगाई हुई थी, अच्छे से चल रही थी और ये देखिए कैसी पीली पीली हो गई हो, जबकि मैं इसमें पानी भी लगा रही हूँ बराबर रोज़ाना। तो देखिए मेरे पौधों का कुछ हाल ऐसा है, और जबकि मैं रोज़ डेली इसमें पानी लगाती हूँ। और ये देखिए ये मेरा कितना खूबसूरत, आपने देखा होगा, लगता था येलो वो क्या कहते हैं इसे, लैंटाना, देखिए कितना सुंदर कितना खूबसूरत था और देखिए कितना सूख गया है। इसे मैं दोनों टाइम पानी लगाती हूँ, और इसमें जबकि मैं दोनों टाइम इसमें मैं पानी लगाती हूँ, जबकि मैं इसे शेड एरिया में मैंने थोड़ा सा दीवार के साइड से रख दिया, क्योंकि मेरे इंडोर प्लांट इधर रखे हुए हैं, ये दीवार है, इधर धूप जो है जल्दी चली जाती है 11 बजे तक, मेरे यहाँ सब रखे हुए हैं। तो देखिए मेरा ये भी एक सूख गया है ये, और जीनिया, और देखिए इनकी हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है, और जबकि ये बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे से चल रहे थे, और इनकी भी हालत ख़राब हो गई है, देखिए ये सब ख़राब हो रहे हैं। तो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, जो बचा पा रही हूँ मैं बचा रही हूँ अपने पौधे। और देखिए मैंने बेगम बहार झुंड में, पौधों के झुंड में मैंने रखा हुआ है ये बेगम बहार, और ये मैंने कमेलिया झुंड में रखा हुआ है, एजेलिया, और इस तरीके से। और ये देखिए जो कि मुझे इसका नाम नहीं मालूम है, तो ये देखिए इतनी तेज़ धूप है दोस्तों, ये देखिए कितने ख़राब पौधे हो गए ये ऐसे करके, और ये देखिए ये भी सब मुरझाए पड़े हुए, जबकि मैं दोनों टाइम पानी लगाती हूँ इसमें दोनों टाइम। और ये देखिए मेरा गडानिया सुगंधराज, देखिए सब ये देखिए, और जबकि ये 11 बजे यहाँ से धूप चली जाती है, तो मैं इतना ही इनके साथ कर सकती हूँ कि जो मैं यहाँ लगा रही हूँ। ये देखिए कितनी इसकी कंडीशन ख़राब हो गई, ये येलो हिबिस्कस है हाइब्रिड, और ये पिंक वाला है, देखिए इसके पत्ते ऐसे करके पीले होके हो रहे हैं, देखिए ये सब। अब मैंने ये हाइब्रिड सब ये मैंने लगाई हैं, इनको ठीक करके कल मैंने लगाई हैं, ये जब घनी उबुशी हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखिए मैं जबकि डेली पानी डाल रही हूँ, ये तो धूप में ही रहते हैं तो इसमें पानी वो पौधे जो कलियाँ जो हैं इसमें खूब आ रही हैं, देखिए इसमें खूब आ रही हैं कलियाँ। तो देखिए अब ये मिर्च का पेड़ है, ये झुंझला सगा है, जल सगा है ये, जबकि मैं इनमें दोनों टाइम पानी लगाती हूँ। देखिए ये देखिए कितना ख़राब हो गया, ये देखिए कितना ख़राब हो गया मेरा ये। वो दोस्तों देखिए इसमें मेरे देखिए फूल आ रहा है, तो गुच्छों में देखिए दोस्तों इसमें गुच्छों में ये मेरे फूल आ रहे हैं गर्मियों के, देखिए दोस्तों ये मेरी बेल में कितने प्यारे फूल आ रहे हैं, देखिए ये है क्रीपर वाइन, ये इतने मेरे टूट भी गए, ये फूल मेरे टूट भी गए। और देखिए ये खूब अच्छे से खिल रही है, ये वो है खूब बड़े बड़े फूल आ रहे हैं, देखिए अच्छे से खिल रही है। ये इसमें एक टमाटर आ गया है, बंदरों से बच जाए तब की बात है। तो ये और जो हैं पौधे मेरे सब बढ़िया से हो रहे हैं। मेरे यहाँ पौधे तो माशाल्लाह से बहुत हैं, 500-600 पौधे हैं जो। और देखिए दोस्तों ये गुलहड़ है देसी डबल पैटर्न वाला, इसकी कली पंच देखो ये कैसे हो रहे हैं, और इसकी कलियाँ देखिए कितने छोटे साइज़ में निकल रही हैं तेज़ धूप की वजह से।
और ये भी सब सब मुरझा। देखिए मैंने अभी इसमें पानी लगाया, जबकि सुबह भी पानी लगाया था हिमेलियम में मैंने, और देखिए कितना मुरझा सा गया ये बिल्कुल धूप से। तो देखिए दोस्तों, बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं हम पौधों को अपनी, और इनको हम बचाएंगे भी। बस ये है कि दुआ ये है कि एक आध बारिश पड़ जाए बढ़िया सी, तो ये हमारे पौधे बच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। देखिए मैंने इसे अकलीफा है, ये बहुत खूबसूरत मुझे लगता है, ये बहुत प्यारा लगता है। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी फरवरी में, तो देखिए माशाल्लाह से ये एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये देखिए कितना अच्छा हो गया बुशी। लेकिन इसको मैंने शायद सही टाइम पर रिपोर्ट नहीं किया है, इसको निकाला तो मैंने बहुत अच्छे से था, और ये ज़्यादा अभी इस वक्त धूप की वजह से कुछ डोरमेंसी में चला गया। तो दोस्तों देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने आप सब काम करते हैं, मैं तो दोस्तों मैं तो हर काम अपना खुद करती हूँ, क्योंकि मिट्टी भी खुद लाती हूँ और फर्टिलाइज़र भी खुद बनाती हूँ, खुद लाती हूँ, जो भी गोबर भी उठा के खुद ही लाती हूँ, गाय का गोबर हमारे यहाँ सामने पड़ता है। और दोस्तों ये डिब्बे पॉट सब कटिंग मैं खुद करती हूँ, खुद बनाती हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम करते हैं खुद काम, जब हमें शौक़ है अपना तो हम खुद ही करेंगे, हमारा कोई काम नहीं करता है, हमारे बच्चे भी नहीं करते हैं, कोई नहीं करता हमारा साथ। दोनों टाइम मेरी बैग में पेन है, तो दोनों टाइम मुझे खुद पानी देना होता है। और देखिए क्रेंसेंथियम ये मैंने गुलदाउदी सेव करके रखी है, और ये मैं अब बरसात में इन्हें अलग, मानसून टाइम में मैंने इन्हें अलग अलग करके लगा दूँगी, जो कि मैंने इन्हें सेव कर दिए। तो दोस्तों मुझे सब गमले भी मैं खुद बनाती हूँ, और इनके होल वोल भी खुद करती हूँ, रिपोर्ट भी करती हूँ। तो दोस्तों अपना काम खुद ही करना पड़ता है, सब काम मैं खुद करती हूँ, और ख़रीद के भी मैं खुद ही लाती हूँ रिक्शा से, और जो मैं जब बनाती हूँ। देखिए मैंने अभी ये बनाए हैं, ये अभी उसके गर्मी बहुत पड़ गई और मैंने गलत टाइम पर इन्हें रिपोर्ट करा है। तो देखिए अगर ये बारिश पड़ जाती है, दो तीन बारिशों के बाद ये अपनी जगह पे आ जाएंगे, हो जाएगा सही, ये अपनी जगह पे सही आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये मैंने रनर लगाए हैं, और ये मैंने इनको जो आपको दिखाया था मैंने सब रिपोर्ट किए हैं, और ये मैंने कटिंग लगाई। देखिए दोस्तों ये कटिंग तो हो गई है ठीक से, और ये कटिंग लगाई थी देखिए दोस्तों एक, और ये मैंने पौधा लगाया था। तो दोस्तों इसकी मैंने कटिंग लगा के, अखलीफा की इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, और देखिए इसकी कटिंग एक इसमें भी हो गई है, ये हर ग्रीन वाले की। और तो दोस्तों गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है, अल्लाह ताला अपना रहम करम करे। तो मैं तो जीनिया आपको लोगों को इतना मैंने लगाया, मैं सही से दिखा नहीं पा रही हूँ उनकी रिपोर्ट या उनकी मिट्टी या कुछ भी मैं बता नहीं पाई कि इतनी गर्मी की वजह से। तो मैं तो सारा काम खुद करती हूँ, और देखिए कि मेरा गार्डन भी आपको देखेगा कि बहुत बड़ा गार्डन है, और मेरे सब ये पौधे पौधे लगे हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने ये सब आपको पूरा ही दिखा दिया है, यहाँ से वहाँ तक, और ये सब मैं खुद ही करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हम लोगों को जब हम करते हैं अपना काम, खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे, हम सबको, हमें नहीं खाली, हम सबको जो गार्डनिंग में व्यस्त रहते हैं और जो करते हैं, जो चाहते हैं। तो थैंक यू, आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग का साथ साथ चाहिए मुझे, आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़।